हेलो चेंज मेकर्स, स्वागत है आपका स्टेपअप इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे JSW फाउंडेशन फेलोशिप। सो JSW फाउंडेशन फेलोशिप का इस ईयर के एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं। JSW और आई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की ये फेलोशिप में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखेंगे तो कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जिसके पास 1 साल से लेकर 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है फील्ड में, लाइक साइंस, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और बाकी अदर प्रोफेशंस में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से कम की उम्र हो, 30,000 per month का इसमें स्टाइपेंड है। तो इस पूरे फेलोशिप की बात करेंगे, इस फेलोशिप में एप्लीकेशन के लिए उससे पहले उसका डिज़ाइन समझेंगे और इसमें एप्लीकेशन का फॉर्म है। 30 मिनट लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए फॉर्म को। तो फॉर्म में बेसिक चीज़ें भरने के बाद कुछ ऐसे 8 से 10 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे कि उन आंसर्स को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में आप अगर इस फेलोशिप में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में आगे बने रहिए। शुरुआत करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि अगर आप इस फेलोशिप में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर अगर आप इसके अलावा भी फेलोशिप देखना चाहते हैं तो स्टेपअप इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम फेलोशिप्स, योर यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, जो नए ज़माने के अलग अलग तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते हैं, हम आपको प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं। लाइक फेलोशिप में आप, जैसे मैंने बताया आपको कि आप एप्लीकेशन इसमें भरोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको ऐसे राइटिंग में देना पड़ेगा। उसके अलावा जब आपका इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू के दौरान आपको प्रिपरेशन की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उस दौरान भी हम लोग हेल्प करते हैं। तो फेलोशिप्स कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट निकालते हैं जहाँ पर आप सीख सकते हो और सीखने के साथ साथ आपका आपको स्टाइपेंड मिलता है जिससे आप सस्टेन कर सकते हो। यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हो। आप देख सकते हो 75,000, 90,000, 80,000 इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के बारे में वीडियो पोस्ट करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे भी आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए आप लौटते हैं JSW फाउंडेशन के फेलोशिप पर। आपको एक सजेशन रहेगा कि इसको वीडियो को पूरा देखिए, समझ के देखिए, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो JSW फाउंडेशन का ये जो फेलोशिप है वो, ये कुछ लोकेशंस हैं इनके जहाँ पे ये काम करते हैं। आपको अगर वाटर, सस्टेनेबल लिवलीहुड, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट और इन अगर इशूज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट जिसके पास 1 से 7 साल का एक्सपीरियंस है साइंस, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग या किसी और प्रोफेशन में अप्लाई कर सकते हैं। 1 मई 2023 को जिनका 30 साल का उम्र हुआ हो या उससे कम हो, राइट। आपका इंग्लिश में कन्वर्जेशन होना चाहिए, राइट। एंड 1 साल का आपका कोई भी इंडियन लैंग्वेज आनी, आपका हिंदी और दूसरे इंडियन लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो, उसमें काम करते रहने चाहिए। कन्वर्जेंट इन इंग्लिश का मतलब ये है कि आप इंग्लिश में बातचीत कर लेते हो, ठीक। प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपका सोशल वर्क में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिनका है एनजीओ में, सोशल सेक्टर में, तो वो अपना ब्रीफ दे सकते हैं और वो उनको थोड़ा सा ये लोग चांसेस भी देंगे। पोटेंशियल एप्लीकेंट्स अंडरस्टैंड करें कि जो उनका रिस्क है, उनके लिए जो टाइम पीरियड है बेसिकली, राइट, वो टाइम पीरियड वो अच्छे से इंगेज करें, डीपली इंगेज करें, ठीक है। FAQs में उन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप 2 साल का कमिटमेंट नहीं कर सकते तो 2 साल का फेलोशिप है, 2 साल को ही आपको पूरा फेलोशिप करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए। आप अनश्योर हो कि जो भी चैलेंजेस आएंगे रूरल एरिया में रहते समय कि नहीं मैं रूरल एरिया में नहीं रह पाऊंगा, मुझे चैलेंजेस नहीं लेने हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। तीसरा और आखिरी जो है वो है आपका कि आप रीलोकेट नहीं होना चाहते हो, मतलब आपको होम सिटी या आपका होम स्टेट नहीं मिलेगा, ठीक। तो वो चीज़ें अगर आप हों तो उस हिसाब से आप इसमें अप्लाई ना करें, अगर इस ये सारी चीज़ें, ये सारे क्राइटेरिया आपको लगता है। अब किसको अप्लाई करना चाहिए, तो जैसा मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया वही आपका रहेगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड, इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है। हेल्थ एक्सीडेंट का सपोर्ट आपको मिलेगा, लीव पॉलिसी, 7 दिन का लीव है पूरे साल में। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, 30,000 per month का जो है वो कॉस्ट आपका
बोर्डिंग लॉजिंग और अदर लिविंग एक्सपेंसेस के लिए दिया जाएगा, आपका ट्रेवल एक्सपेंस रीइंबर्स किया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आओगे या फील्ड प्रोजेक्ट पर जाओगे तो उसको आप उसको वो रीइंबर्स करेंगे, ठीक। अब आप इसके अलावा अगर देखेंगे तो क्या सिलेक्शन बेसिस है। सो ऐसे यूथ जो स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन दिखाएं, पैशन दिखाएं सोशल डेवलपमेंट के लिए, जो सीखना चाहते हो, जो समाज सेवा करना चाहते हो, जो समाज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो और जिनके भीतर प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच हो, ठीक है, और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करें, मतलब ऐसे हों जो चुनौती भरे माहौल में काम कर पाएं, तो उनके लिए ये जो है यही इनका सिलेक्शन बेसिस तरीका रहेगा। बेसिकली आपको सिलेक्शन के लिए अगर मैं यहाँ पे और डिटेल में आपके स्टेप वाइज बात करूँ तो आप पहले एप्लीकेशन का फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन का फॉर्म भरने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन को एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो एक असेसमेंट डे मतलब एक असेसमेंट अटेंड करेंगे जहाँ पे उन्हें वेरियस एक्टिविटी में चेक किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। एंड देन फाइनली सिलेक्टेड फेलो विल बी इनवाइटेड टू ज्वाइन द जीएसडब्ल्यू फेलो प्रोग्राम, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा और एफएक्यूज में अगर जाएंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है ये मैंने आपको शेयर कर दिया ऑलरेडी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपका रोल और आपके एक्सपेक्टेशन दोनों को इसमें हम कवर करेंगे। आप ग्राउंड के चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करोगे जो भी आपको लोकेशन असाइन किया जाएगा, बेस्ड ऑन आपके अंडरस्टैंडिंग के आप एक प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे जिस पर आप काम करोगे, ठीक है, जिसमें अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स होंगे 2 साल के लिए। आप रिसर्च करोगे पॉसिबल इंटरवेंशंस पे, आप डिजाइन करोगे, प्लान करोगे, बेसिकली कोई भी एक इनोवेटिव आइडिया लोगे आप इन सारे एरियाज में और उस पर अपना ही प्रोजेक्ट डिजाइन करके उस पर इम्प्लीमेंट करोगे। कनेक्ट विद रिक्वायर्ड नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट, आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट करोगे, इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस एंड मेजर द इम्पैक्ट। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, इंग्लिश आपका कन्वर्जेशन होना चाहिए, मतलब कन्वर्जेंट हो, और एक इंडियन लैंग्वेज आपको आना चाहिए। क्या लोकेशन आप चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते हैं। क्या आप अपनी एजुकेशन करते समय अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फुल टाइम फेलोशिप है, आपको एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपना ये आपको अप्लाई करना है इसके लिए, ठीक। तो अब हम सीधे चलते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे और डिटेल में पढ़ सकते हो। जीएसडब्ल्यू फाउंडेशन, जीएसडब्ल्यू जो ग्रुप है उसका विंग है, आई वॉलंटियर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है। तो इन सब के बाद अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है आपका एप्लीकेशन पार्ट, ठीक। तो एप्लीकेशन के फर्स्ट पार्ट में बेसिक डिटेल है, नाम आपका, फ़ोन नंबर, आपने पहले जीएसडब्ल्यू फाउंडेशन फेलोशिप में अप्लाई किया है कि नहीं किया है, ठीक। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, परमानेंट और आपका वो तो मैंने यहाँ पे इसके लिए डाल रखा है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन क्राइटेरिया है, मतलब आपने ग्रेजुएशन किस इंस्टीट्यूट से किया है, यूनिवर्सिटी कि इसमें यूनिवर्सिटी का नाम आएगा या स्ट्रीम आएगा या ईयर आएगा और यहाँ पे परसेंटेज आएगा या ग्रेड आएगा। सिमिलर ट्वेल्थ का भी आपको भरना है, ये मैंने डमी डाल दिया है। क्वालिफिकेशन अगर आपका और कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन है, बेसिकली अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें अगर है तो उसमें एडिशनल करके आप एड रो करके भर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है, इन्होंने बहुत मैंडेटरी नहीं किया है बट अगर आपने किया है पार्ट टाइम, इंटर्नशिप, वॉलंटियर जो भी किया है आपको भरना ही चाहिए। डिजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम कब से कब तक किया है वो यहाँ पे आप भरेंगे। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, तो ये मैंने इसी में ही कॉपी पेस्ट कर दिया है जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब सबसे पहला सवाल ये है और एक बड़ा सवाल ये है कि आपको 300 वर्ड में एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है जो हाईलाइट करे आपका मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग अवर फेलोशिप प्रोग्राम, आपका रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, आपका पैशन और आपका एंटीसिपेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब आप क्या योगदान दोगे, और आपके फ्यूचर के गोल, ठीक। डिस्क्राइब हाउ यू एनविजन यूटिलाइजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू एनहांस योर नॉलेज, आप ये बताइए कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज करोगे अपने नॉलेज को बढ़ाने में, स्किल को स्ट्रेंथन करने में और अनुभव को इनहेंस करने में आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में। हाईलाइट स्पेसिफिक एरियाज और एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम दैट यू आर पर्टिकुलरली एक्साइटेड, मतलब इस प्रोग्राम के उन हिस्सों के बारे में चर्चा करिए जिसके बारे में आप एक्साइटेड हैं। तो बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन दिया है, इसके बाद बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं रह जाती बट स्टिल मैं आपको एक बहुत बेसिक बताऊँगा, आप इसको ध्यान से सुने, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो पीछे जाके सुने, इंडिविजुअली सवाल करने से पहले वीडियो को समझ लें। तो अब इसमें आपको लिखना कैसे है, इन्होंने ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ठीक, कि आपका रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, आप शुरुआत करोगे आप जहाँ से हो, आपका नाम, आप जहाँ से हो, आपका बेसिक बैकग्राउंड,
बैकग्राउंड के बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद आपका पैशन, आपके हॉबीज, आपका इंटरेस्ट, आप क्यों सोशल सेक्टर में इंटरेस्टेड हुए, आप अभी करंट में क्या कर रहे हो, और JSW फाउंडेशन फेलोशिप में आप क्यों इंटरेस्टेड हो, उसके रीजंस आप लिखोगे। ठीक, कि मुझे जो भी रीजंस हो सकता है, मैं यहाँ पे नेम आउट नहीं करूँगा क्योंकि वही सारी चीज़ें आपके उसमें आ जाएंगी, आपका रीज़न नंबर 1, रीज़न नंबर 2, रीज़न नंबर 3, रीज़न नंबर 4। उसके बाद इस फेलोशिप से आप क्या सीखोगे, इस फेलोशिप से आपको क्या मिलेगा, आपका फ्यूचर का करियर गोल क्या है, और उस गोल में ये फेलोशिप कैसे मदद करेगी। दो लाइन उसमें हो गया। अगली दो लाइन आप ये लिखोगे कि इस फेलोशिप में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब ये फेलोशिप में जो जो चीज़ें, क्योंकि आप भी तो कंट्रीब्यूट करने जा रहे हो, तो आप क्या योगदान दे सकते हो। वो योगदान आप अपने स्किल जो आपके पास ऑलरेडी हैं, अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन के थ्रू दे सकते हो। अब आपको आखिर के 4-5 लाइन ऐसे लिखने हैं जिसमें कि इस फेलोशिप के कुछ, जैसे मैंने आपको बोला शुरुआत में, ये चीज़ समझिए, ठीक, इस फेलोशिप में क्या क्या है। इस फेलोशिप के प्रोग्राम स्ट्रक्चर को आप अगर आप यहाँ से देखोगे, फेलोशिप डिज़ाइन अगर आप यहाँ से देखोगे, तो फेलोशिप डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इन सब से, स्किल बिल्डिंग, रूरल इमर्शन, पीयर लर्निंग, इन सब से आप क्या देखोगे, मतलब इन सब से आप क्या सीखोगे, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, और आपको हाईलाइट करना है कि कोई स्पेसिफिक एरिया, मतलब इस फेलोशिप की कोई ऐसी बात हो जो आपको अनोखी लगती हो, जो बात आपको अच्छी लगती हो, और जिस बात की वजह से आप इस फेलोशिप में आना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। इन सभी कुछ लाइंस को मिला के आपका 300 वर्ड्स का होगा, ऑलमोस्ट 10-15 लाइन। ठीक है, 10-15 लाइन से ज़्यादा का स्टेटमेंट आपका नहीं होगा। तो एक बार उसको लिख लें अच्छे से, लिखने के बाद एक दो बार पढ़ें, फिर से लिखें, और अगर आप उसको चेक कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम को भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर डमी एक बार डाल देता हूँ, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ नहीं है, इन्होंने कुछ और क्वेश्चन दिए। तो बेसिकली ये पूरा फेलोशिप मैं ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना चाहते हैं जो सीरियस नहीं है। पहला वाला सवाल है, व्हाट सोशल इशू और कॉज यू आर मोस्ट पैशनेट अबाउट। और भाई, ऐसा कौन सा सोशल इशू है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, और क्यों? इसमें आप अपने सोशल इशू के बारे में बात करोगे, मतलब कौन सा ऐसा मुद्दा है, समाज में ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको लगता है कि नहीं यार, स्वच्छता की बहुत समस्या है, पानी की बड़ी समस्या है, लोगों में ऊंच नीच है, भेदभाव है, एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या है, हेल्थ की बहुत बड़ी समस्या है। और वो समस्या को आप लिखोगे और आप उसके बारे में पैशनेट हो, मतलब उसको सॉल्व करना चाहते हो, और क्यों? हेल्थ अगर आपको लगता है कि बड़ी समस्या है, तो हेल्थ ही क्यों लगता है आपको, उसके बारे में आप लिखोगे। वर्डिंग का कोई ऐसा मैटर नहीं, बट आपको 150-200 शब्द में लिखना चाहिए। इसमें नेक्स्ट सवाल है कि इफ़ यू वर टू डिज़ाइन अ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम टू एड्रेस अ सोशल इशू, व्हाट वुड बी, हाउ वुड यू गो अबाउट इम्प्लीमेंटिंग इट। तो मान लीजिए आपने जो सोशल इशू बताया, उसके बारे में आपको एक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जिससे कि वो सोशल इशू एड्रेस हो, यानी उस सोशल इशू का समाधान निकले, तो आप क्या करोगे। तो बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो आपने अपना सोशल इशू लिया है, उस सोशल इशू के बारे में पहले आप समझोगे, समझने के बाद उसका मेन रीज़न क्या है वो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, फिर उसके लिए आप कुछ इंप्लीमेंट करोगे। तो आप अपना सोशल इशू यहाँ पर लिखोगे, मान लो मैं एजुकेशन के लिए काम करना चाहता हूँ, एजुकेशन में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए काम करना चाहता हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे 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 सॉल्व करूँगा। ठीक, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करूँगा जिस प्रोजेक्ट के जरिए मैं नंबर 1 पहले ये करूँगा, नंबर 2 पहले ये करूँगा, नंबर 3 ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा। तीसरे सवाल पे आते हैं, हाउ डू यू प्लान टू इन्वॉल्व कम्युनिटी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को उस इशू के लिए। तो एक इशू आपको पकड़ना है, उसी में डिटेल में जाना है। तो आप कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब ये है कि भाई, जैसे मान लो एजुकेशन पे आप बात कर रहे हो, तो बच्चों को, आप पेरेंट्स को, आप टीचर्स को, आप ग्राम पंचायत को, ये सारे आपके कम्युनिटी होंगे, उनको आप कैसे इन्वॉल्व करोगे, कहाँ कहाँ उनका रोल होगा, उसकी बात करनी है आपको। फिर चौथा है, व्हाट स्किल और नॉलेज डू यू फील यू वुड नीड। आपको किस किस स्किल और नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। आपको रिसर्च करना है तो उसके डेटा की जानकारी करनी पड़ेगी आपको, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, नेगोशिएशन हो आपके, पब्लिक स्पीकिंग की, जैसे पब्लिक स्पीकिंग की भी आवश्यकता पड़ सकती है उस तरह के स्किल की। तो इस तरह के स्किल आप आइडेंटिफाई करो, किस किस स्किल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पांचवा, इफ अगर आपका इनिशिएटिव फेल होता है, ठीक है, जैसे ही आपने उस इम्प्लीमेंट किया उस इनिशिएटिव को और वो फेल हो गया, ठीक, आप क्या करोगे और क्यों करोगे। मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट चलाया और वो प्रोजेक्ट हो गया फेल, बुरी तरीके से फेल हुआ, आप क्या करोगे। उस प्रोजेक्ट से आप सीख लोगे, उस प्रोजेक्ट को आप एनालाइज करोगे कि ऐसा क्यों हुआ कि फेल हुआ, फिर उससे सीखोगे, सीखने के बाद उसको रीडिज़ाइन करोगे, बढ़ोगे, या फिर हार मान के बैठ जाओगे, वो लिखना है।
फिर छठवा, हाउ डू यू एनविजन योर लर्निंग जर्नी वाइल टूवर्ड्स योर सोशल इम्पैक्ट गोल? तो आपका समाज में क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, आप समाज को कैसे बदलना चाहते हैं, उसकी यात्रा को आप कैसे सोचते हैं? सो इन यात्रा का मतलब ये है कि आपके इसमें गोल आ जाएंगे कि मुझे समाज में ये बदलाव लाना है और इस जरिए लाना है। हो सकता है फेलोशिप उसका हिस्सा हो, फेलोशिप के बाद आप जॉब करोगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, कुछ और करोगे, इंडिविजुअल मिशन चलाओगे, वो जर्नी यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे इफ अ कोलैबोरेटिव पार्टनर एक्सप्रेस अ डिजायर टू चेंज द सोशल इम्पैक्ट गोल बट यू बिलीव इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द ओरिजिनल गोल, व्हाट वुड यू डू? मान लीजिए कि आपका जो सोशल पार्टनर है, कोई आपसे कहे कि नहीं यार शिक्षा पे काम मत करो, आपका इम्पैक्ट गोल है शिक्षा, एजुकेशन, तो वो कहे कि आप शिक्षा पे काम मत करो, तो क्या आप इसको चेंज करोगे? और मतलब आप क्या करोगे, आप चेंज करोगे नहीं करोगे, आपको वो बताना है, व्हाट वुड यू डू एंड व्हाई? सो आप क्या करोगे और क्यों करोगे, वो चीज आपको इसमें बतानी है। कोई आपसे आपका सोशल इम्पैक्ट गोल चेंज करने की बोल रहा है कि भाई आप इसको बदल लो, तो क्या आप उसे बदलोगे? बदलोगे तो क्यों? क्या आप उसे नहीं बदलोगे? नहीं बदलोगे तो क्यों? ये आपका पर्सनल अपना डिसीजन हो सकता है। देन ये इन्होंने दिया है, आप अगर JSW से पहले कभी जुड़े रहे हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। देन लैंग्वेज आपको ऐड करनी है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है, उसमें आपको लिखना पढ़ना बोलना आता है, तीनों टिक किया ऐड कर लिया, यहाँ पे आपको इंग्लिश ऐड करना है, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, पढ़ना लिखना आता है बोलना आता है, ठीक है, तो आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फाइनली यहाँ पे सबमिट का बटन है। तो ये जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही बड़ा है, और बड़ा इसलिए है क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो इसको भरेंगे नहीं, वहीं पर छट जाएंगे। जो लोग भरेंगे उनको वो लोग आगे के प्रोसेस के लिए ले जाएंगे। सो डू अप्लाई फॉर इट, और अगर आपको किसी तरह के हेल्प की रिक्वायर होती है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आप हाई सेंड करोगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये फेलोशिप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सीरियस अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में पूरा पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए, FAQs आप एक एक पढ़िए समझिए, उसके बाद इस एप्लीकेशन को भरने की कोशिश करिए। ठीक, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।